गांव का कहूँ तो सर सोच इतनी है गांव वालों की भी, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियों को हर टाइम पीछे ही रखा जाता है। कहाँ निकालेंगे, कल को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अपनी इज्जत पे सवाल उठेगा वगैरह वगैरह। मान के चलते हैं अभी इन्होंने क्या करना है पढ़ा लिखा के, ये तो अगले घर चली जाएंगी शादी करके। सर कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो बाहर वाले तो करेंगे कैसे। सर मैं ना प्लस टू में स्टडी करती थी सर, तो मेरे पापा की ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी सर, तो ना उस टाइम मैंने मेरी स्टडी छोड़ दी थी। मैं चाहती थी मेरी फैमिली की थोड़ी हेल्प हो जाए, मेरी स्टडी छूट गई थी उसके कारण। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दो भाई हैं छोटे जो मेरे से हैं भाई, उनकी स्टडी पर थोड़ा प्रेशर आए। सर पहले मैं डरती बहुत थी, कॉलेज में मेरा कोई फ्रेंड कोई सर्कल नहीं था, मैं मतलब बड़ा सा बैग लेके जाती थी अपना पढ़ने के हिसाब से। कोई थोड़ी सी बात किसी ने कुछ बोल दिया तो वो मैं घर आके या तो रोने लग जाती थी या मम्मी को सारा कुछ बताती थी। तीन सिस्टर्स हैं तो पापा को ये फील ना हो भी अगर एक लड़का होता तो इनसे बेहतर कुछ करता। मैं खुद को प्रूव करना चाहती थी भी लड़का होना जरूरी नहीं है, लड़का लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। मैं कैसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ प्रोफेशनल लाइफ भी चाहिए थी। सर जब मैं गई थी ना फर्स्ट दिन बाहर, तो सर बैठे थे अंदर, तो मैं बाहर खड़ी ही रह गई थी डर के मारे, कौन है कहाँ से है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ क्या होगा, मतलब बहुत डर गई थी सर। जैसे मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग ली उसके बाद पापा को बताया भी ऐसे ऐसे फील्ड का काम होगा, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया भाई नहीं ये फील्ड का काम लड़कियों का नहीं है, समाज क्या कहेगा। खेतों में कभी गए नहीं थे और धूप में इतना बहुत मुश्किल था सर। अभी भी जैसे मैं फील्ड में जाती हूँ और तो मेरे को कहते हैं भी बेटा ये आपका काम नहीं है। तो नेक्स्ट डे फिर पापा कहते जाएगी, मैंने कहा, कहते मेरी मान तो मत जा। फिर मैंने कहा नहीं पापा मेरे को 2 दिन दे दो मैं करके देखती हूँ, अगर मेरे से होगा तो मैं जरूर करूँगी फिर छोड़ दूँगी। जब काम करने लगे तो कंपनी ने मतलब इतना सपोर्ट दिया है सर, कोई भी कंपनी इतना सपोर्ट नहीं करती किसी को भी, बस अपना काम से मतलब रखती है। ये कंपनी ऐसी है सब कुछ दे रही है, इन्वायरमेंट फुल दे रही है, फुल सपोर्ट कर रही है, लड़कियों के लिए फुल सेफ्टी है। तो सर इसकी वजह से मैंने ये सोच ही लिया कि करना है तो यूपीएल में ही काम करना है। हमारे गौरव सर कहते हैं कि प्रॉब्लम आएगी लाइफ में उनको ओवरकम करो, आगे बढ़ो, जितना आगे बढ़ोगे उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल है सर, मेरे सामने 400 भी फार्मर खड़े हों तो मैं उनके सामने बोल के उनको हैंडल कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल पहले बहुत लो था, अब हाई है, पहले इतना था अब इतना। पहले तो सर घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे हमारे फैमिली मेंबर के, और आज मैं दिल्ली का 70 किलोमीटर का अप डाउन करती हूँ सर। पहले मैं अपने गांव के लोग मुझे मतलब 70-1% लोग जानते थे, अभी मेरे फील्ड में आसपास मुझे 55 गांव दिए गए हैं, 55 गांव का 90% फार्मर मुझे जानते हैं अच्छी तरह से यूपीएल मैडम के तौर पर, तो एक नई पहचान मिली है मुझे और सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। पहली बात तो कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सर जब मैंने काम किया है तो मेरी सैलरी भी आई है, उससे मतलब मेरे घर की कंडीशन ये तो जो थी वो अभी अच्छी चल रही है। मैंने मेरी पहली सैलरी जैसे मेरे अकाउंट में आई तो मैंने मेरे पापा जी को बताया, मेरे पापा जी बहुत खुश हुए क्योंकि पापा जी बोले कि देखो अब तो मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी कमाने लगी है। तो उसके बाद मैंने सर उस पे को निकलवा के मैंने मेरे भाई के बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दिया सर। मेरी नॉलेज बढ़ी है क्योंकि यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पापा मेरे से ही पूछते हैं बेटा बता कौन सा स्प्रे करनी है, ये प्रॉब्लम है खेत में। सर मेनली है अभी हमारे खेत में बोरवेल नहीं है, ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है मतलब पानी की। जब से मैंने काम शुरू किया है पापा फर्स्ट सैलरी आई तो बोले भी अगर सैलरी आ गई है तो हमें पाइप मतलब पड़ोसी लगवा रहे हैं तो आपा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके उसके अंदर आपा भी ऐड करवा लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट सैलरी देके सपोर्ट वही किया और पापा खुश भी हैं भी चलो कुछ ना कुछ मेरी भी सपोर्ट हो रही है, और अब सर मान भी गए भी चलो लड़का जरूरी थोड़ी है, तू काम कर रही है तो मेरे लिए तो दोनों बराबर ही है ना। सर लोगों की सोच चेंज हो जाती है, हम भी जब काम करने लगे थे तो लोगों की सोच कुछ और थी, बट आज उन्हीं लोगों की सोच चेंज हुई है ना तो वो अपने पर डिपेंड करता है कि आपा कितना इम्प्रूव कर रहे हैं और लोगों की सोच को कितना चेंज कर सकते हैं। लोग हम ही हैं सर, हम ही सोचते हैं कुछ उल्टा सीधा।